रामपुर के सवार और मिर्जापुर के 96 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। अब इंतजार 13 मई का है, जब दोनों सीटों पर जनता का जनादेश सामने आएगा। सवार और 96 विधानसभा के लिए हुए उपचुनाव में जनता ने उत्साह दिखाया और दोनों ही सीटों पर कड़ी सुरक्षा के बीच लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। शाम 5 बजे तक सवार में तकरीबन 42% लोगों ने वोट डाले, जबकि 96 विधानसभा सीट पर करीब 40% वोटिंग हुई है। सवार सीट पर सीधा मुकाबला सपा की अनुराधा चौहान और अपना दल एस के प्रत्याशी शफीक अंसारी के बीच है, जबकि विधायक राहुल कोल के निधन से खाली हुई 96 सीट पर अपना दल एस की रिंकी कोल और सपा की कीर्ति कोल के बीच सीधी लड़ाई है। मतलब साफ है कि दोनों सीटों पर सीधी लड़ाई सपा और भाजपा गठबंधन के बीच है। सवार सीट पर आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की सदस्यता रद्द होने के कारण उपचुनाव कराया गया। अब्दुल्ला की विधायक की 15 साल पुराने मामले में दोषी ठहराए जाने और 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद रद्द कर दी गई थी, तो 96 सीट विधायक राहुल कोल के निधन के बाद खाली हुई। दोनों सीटों पर मतदान के साथ ही प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है, जिसके नतीजे 13 मई को आएंगे। लेकिन जाहिर है कि सवार और 96 सीटों के चुनाव नतीजे सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सियासी लिहाज से दोनों सीटों पर जीत हार के मायने बड़े होंगे। तो माफिया अति के पति शाइस्ता परवीन को लेकर हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, हर रोज नए नए लोकेशन की बातें भी सामने आ रही है और अभी तक वो पुलिस की पकड़ से बाहर है। लेकिन अब शाइस्ता के लिए पुलिस ने बड़े एक्शन की तैयारी कर ली है। पेशवाल हत्याकांड के 75 दिनों बाद भी शाइस्ता परवीन को पकड़ने की पुलिस की हर कोशिश नाकाम है। माफिया करार दिए जाने के बाद शाइस्ता परवीन की अब हिस्ट्री शीट खोले जाने की तैयारी है। माफिया के साथ ही अब शाइस्ता हिस्ट्री शीट भी बनेगी। प्रयागराज के खुल्दाबाद थाने में शाइस्ता की हिस्ट्री शीट खोली जाएगी। खुल्दाबाद थाने में ही अतीक अहमद की भी हिस्ट्री शीट खोली गयी थी। तौर पर कहा जा सकता है कि उमेश पाल शूटआउट केस के बाद अतीक अहमद के पूरे कुनबे पर कानून का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है, और ऐसे में जब अब अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की हिस्ट्री शीट खोले जाने की तैयारी की जा रही है, तो आने वाले दिनों में शाइस्ता की मुश्किलें बढ़ना तय है। शाइस्ता परवीन के खिलाफ कुल 6 आपराधिक मुकदमे दर्ज है। आधा दर्जन आपराधिक मुकदमे के आधार पर शाइस्ता की हिस्ट्री शीट खुलेगी। अतीक अहमद की हिस्ट्री शीट का नंबर 53A था। हिस्ट्री शीट बनने के बाद अग्रिम जमानत पाने और भविष्य में आपराधिक मामलों में जमानत पाने में मुश्किल आएगी। उमेश पाल शूटआउट केस में शाइस्ता परवीन नामजद आरोपी है। शाइस्ता पर 50,000 रूपए का नाम घोषित है। प्रयागराज पुलिस ने 2 मई को धूमनगंज थाने में दर्ज एक FIR में शाइस्ता परवीन को माफिया बताया है। शाइस्ता पर उमेश पाल और 2 सरकारी गनर की हत्या के साथ ही बेटे अली का फर्जी आधार कार्ड बनवाने, तथ्यों को छुपाकर असलहे का लाइसेंस लेने और अवैध असलाह रखने जैसे गंभीर मामलों में आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस का मानना है कि शाइस्ता परवीन आदतन अपराधी है। तो अखिलेश यादव ने पुलिस की तरफ से अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को माफिया घोषित किए जाने पर अब सवाल खड़ा कर दिया। यूपी निकाय चुनाव का शोर मंगलवार शाम 5 बजे थम गया। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कानपुर में थे। इस दौरान सपा अध्यक्ष ने अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को FIR कॉपी में माफिया बताए जाने पर सवाल उठाया। ये पुलिस की भाषा नहीं है, ये बीजेपी की भाषा है। एक महिला को इस तरह कहना, ये बीजेपी की भाषा है, मुख्यमंत्री की भाषा है। इस बयान के बाद यूपी में माफिया को लेकर नई बहस शुरू हो गई। क्या महिला को माफिया कह सकते हैं? समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव के इस बयान पर अलग तर्क दिया है। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की माफिया की परिभाषा बदल गई है। एक महिला को माफिया कहते हैं और जो माफिया है उससे उनके विधायक चंदा ले। भारतीय जनता पार्टी ने अखिलेश यादव के बयान और उनके बयान पर समाजवादी पार्टी के डिफेंस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उमेश पाल की पत्नी के साथ सहानुभूति नहीं होती है। तमाम निर्दोषों को विधवा बनाने का जो कुकर्म जिस गिरोह ने किया, उस गिरोह के साथ कितनी अधिक सहानुभूति, यह बताती है कि अखिलेश यादव माफिया के तुष्टीकरण पर आमादा है। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक की पत्नी शाइस्ता फरार चल रही है। शाइस्ता परवीन पर 50,000 का इनाम भी घोषित है। प्रयागराज पुलिस ने इस सप्ताह दर्ज कराए मुकदमे में शाइस्ता को माफिया बताया था। तो अखिलेश यादव की तरफ से अतीक अहमद की पत्नी को माफिया घोषित करने पर सवाल भी उठा है। और इधर देखिए, समाजवादी पार्टी के विधायक मिजमा यादव की भी अब मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। तो प्रदेश का अभियोजन विभाग जल्द विजमा यादव की सजा बढ़ाए जाने की मांग को लेकर जल्दी हाईकोर्ट में अपील दाखिल करने वाला है। दाखिल अपील करने के लिए विभाग ने यूपी सरकार से मंजूरी भी मांगी है। अभियोजन विभाग का मानना है कि अपील दाखिल होने की स्थिति में विजमा यादव की सजा बढ़ जाएगी और उनकी विधानसभा सदस्यता निरस्त हो जाएगी। गौरतलब है 21 सितंबर 2000 में दोपहर 2 बजे सहसों पुलिस चौकी के सामने श्याम बाबू के 7 साल के बेटे आनंद की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। इसके बाद लोगों ने आनंद के शव को लेकर सड़क जाम कर दिया। भीड़ में कई लोग असलहे से लैस थे, जिन्होंने दोपहर 2:30 बजे प्रयागराज के सराय इनायत इलाके में पुलिस पार्टी पर हमला किया था।
इसमें पुलिस वालों को चोटें आई थी। इसका आरोप विजमा यादव समेत दूसरे लोगों पर लगा था। फरवरी में इसी मामले पर विजमा यादव को MP MLA स्पेशल कोर्ट ने 1.5 साल की कैद 1 लाख का जुर्माना ये सजा सुनाई थी। चूंकि 2 साल से कम सजा होने की वजह से विजमा यादव की विधायकी को कोई खतरा नहीं हुआ, ऐसे में अभियोजन विभाग कोर्ट से सजा बढ़वाने में कामयाब रहा तो विधानसभा में सपा विधायकों की संख्या कुल 108 ही रह जाएगी। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।